यहाँ निःशुल्क क्लास चल रही हैं, यहाँ पे निःशुल्क क्लास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे निःशुल्क? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि भाई एक बच्चों के लिए इतनी अच्छी पहल करिए, इतनी अच्छी सोच रखिए। मतलब आज के दौर में कौन इतना सोचता है कि किसी को फ्री एजुकेशन दी जाए, बाकी सब तो अपना मुनाफा ही सोचते हैं आज की डेट में, पर लेकिन इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है तारीफ़ के लिए। तो ये जो पहल करी है उसके लिए, जैसे पुस्तकें भी निःशुल्क देने वाले हैं, तो उसके लिए अभी देंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, एक दो दिन में व्यवस्था करेंगे कह रहे थे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार ने ये बहुत ही अच्छा वर्क किया है, जो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो कोचिंग्स की फ़ीस एफर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। और हमने देखा कि दो तीन दिन से क्लासेज चल रही है और क्लासेज में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं जितना कि जो कोचिंग्स में, जो महंगी कोचिंग्स होती हैं उसमें भी इतना पढ़ाते नहीं है जितना बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस प्रकार की योजनाएँ भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जानी चाहिए और ये जो कोचिंग्स, जो महंगी कोचिंग्स चल रही हैं उनको बंद चाहिए। एक पहल इंडिया ने जो मतलब ये शुरुआत की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो निःशुल्क क्लास की स्टार्ट की है? सर, जो ये निःशुल्क क्लास स्टार्ट करी है, मैं उसकी तारीफ़ ही करना चाहूँगा, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार का यही सपना होता है कि मतलब बच्चा प्रशासन में जाए, आईएएस बने या फिर आरएएस बने। तो जिनकी कोचिंग है, जो स्टडी मटेरियल है, वो बहुत महंगा आता है, कोई सामान्य वर्ग का परिवार का बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। जो पर सरकार ने ये फ्री में उपलब्ध कराई है तो अच्छी चीज़ है। एक पहल इंडिया जो देव अमित जी, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने जो ये पहल स्टार्ट की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसके कारण प्रत्येक गरीब बच्चा आज के युग में जो 2 लाख की कोचिंग है वो मुफ्त में प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके कारण से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके कारण जो बच्चे अपना भविष्य और अपने सपने ऊँचे रखते थे, उनको अपने सपने पूरे करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी और ये योजना सदैव गरीबों के हित में है, ऐसा मेरा मानना है।